कम अगर आप फेरस सल्फेट डाल रहे हैं, डिपेंड करेगा आपका कि आपका एरिया कितना है, कि क्या 200 लीटर पानी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लेंगे। आप रिकमेंडेशन जो है वो 1 किलो की है, ठीक है। और बोरोन, जैसे कि बोरोन, बोरोन के सिम्टम पेड़ देखेंगे आप से पानी दे सकते, ठीक है। तो उसमें जो है वो छोटे छोटे दाने से लगते हैं, देखा होगा आपने कभी, ये आपका प्लांट है, बीच में इस तरह से जैसे फोड़े होते हैं, देखा कभी आपने, हाँ निकलता है ना, और बीच में फट भी जाता है, वो बोरोन की कमी है। और जब आपका फ्रूट होगा ना सेब का, उसमें क्रैक्स भी आ जाएंगे, ज्यादा डेफिशिएंसी होगी तो क्रैक्स आ जाएंगे, नहीं तो बोलते कि रस्टिंग की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको जो है वो बोरिक एसिड 200 ग्राम 200 लीटर का, या इसको सॉइल में बोरेक्स के नाम से भी मिक्स कर सकते हैं, 200 ग्राम पर किलो, अगर पौधा आपका बड़ा है 200 ग्राम बोरेक्स अगर मिट्टी में डालना है, और अगर स्प्रे करना है आपने तो बोरिक एसिड 200 लीटर पानी में, यानी कि ड्रम में इसको जो है स्प्रे कर सकते हैं। सभी स्प्रे ज्यादा ठीक रहेगी या डालना ठीक रहेगा? अब इसकी जो डेफिशिएंसी जब आएगी ना, जब डेफिशिएंसी आएगी तभी स्प्रे करेंगे हम, ठीक है ना, या अपने सॉइल पहले टेस्ट करवाइए, और उसमें बोरोन की डेफिशिएंसी का भी नजर आती है तो आप सॉइल के थ्रू कर लेते हैं, क्योंकि जब आपका फ्रूट आ जाएगा ना तो आप उस टाइम जो है फिर सॉइल में नहीं डाल सकते, फिर जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो है फिर वो स्प्रे करते हैं, उसको रिकवरी हो जाएगी। एक स्प्रे करेंगे आप, 15 दिन के बाद देख लेंगे आप कि मेरी इम्प्रूवमेंट हुई, तो एक स्प्रे बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। कितना डालना है ड्रम में? 200 ग्राम बोरिक एसिड। और सॉइल में कितना डालना है? वो भी 200 ग्राम पर प्लांट। और मैंगनीज की भी सेम है, जो आयरन का है, आयरन का की बीच की लाइन ग्रीन है और बाकी पत्ता जो है पीला कर दिया है, उसमें जो बीच वाला पोर्शन है उसका सल्फर 2 ग्राम होगा, ठीक है। वो मैंगनीज की सब्सटेंस, मैंगनीज, मैंगनीज, मैंगनीज सल्फेट, जो भी सल्फेट वाले करेंगे आप, जैसे थायरा सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, इनमें चूना जरूर डालें, अदरवाइज सल्फेट जो क्या है एस एस डी पे, तो अगर उसमें नहीं डालेंगे आप चूना